तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब ऐसा मोड है 21,500 का लेवल, जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 21,500 खुल जा सिम सिम, और वो 21,500 पहुंच भी गया। अब आगे कहां मार्केट रुकेगा, क्या ये तेज़ी जारी रहेगी, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए किस तरह से मार्केट ने कल रिएक्शन दिया है। इसमें 21,453 में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इंट्राडे में 21,500 का लेवल टच भी किया और ऊपर भी आया, लेकिन फिर वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया और मार्केट फिर नीचे आ गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 52,387 पे बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 10,269 पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 47,870 पे बंद हुआ है, मात्र 3 पॉइंट बढ़ा है। निफ्टी फाइनेंशियल 10 पॉइंट का गिरावट रहा है, 21,434 में बंद हुआ है। बढ़ने वाले शेयर्स में थे कोल इंडिया, नेस्ले, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर्स, सिप्ला 2 से 6% तक बढ़े, अदानी पोर्ट्स, विप्रो, अदानी इंटरप्राइजेज, यूपीएल, टीसीएस जैसे दिग्गज 1.5 से 2% तक गिरे। तो ये रहा मार्केट का कल का हाल। आगे आज क्या होने वाला है, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए निफ्टी गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है कि हम 91 पॉइंट ऊपर खुलेंगे तो गैप अप ओपनिंग होगा, अच्छा ओपनिंग होगा। अब हमें मार्केट 22,000 का लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है, ये गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है। इसका रीजन क्या था बढ़ने का, ये था डॉ जोन्स। यू अमेरिकन मार्केट में तेजी था, अमेरिकन मार्केट में देखिए किस तरह से तेजी है। 251 पॉइंट डॉ जोन्स बढ़ा है, S&P 27 पॉइंट बढ़ा है, 4,768 पे बंद हुआ है। नैसडेक 98 पॉइंट बढ़ा है, 15,003 पे क्लोज हुआ है। तो ये रहा अमेरिकन मार्केट का हाल, यानी चारों तरफ पॉजिटिव माहौल है, अच्छी तेज़ी मार्केट में देखने को मिल रही है। ऐसे में निफ्टी को क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, केवल हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ से देखिए जो तेज़ी, यहाँ से ब्रेकआउट इसे मिला 20,122 से, और उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली केवल ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ये जो एरिया है, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये है 19,835। 19,835 से जो मार्केट निकला है, ये देखिए कितने ग्रीन कैंडल बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने हैं। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ एक डब्बा बना, ये डब्बा है 20,902 का और 20,122 का जो इसका हाई था, और ये डब्बा से जब ब्रेकआउट मिला इसे, फिर तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे बड़ा कैंडल, यहाँ बड़ा कैंडल, और यहाँ पे 2 दिनों से मार्केट थोड़ा अब रुक रहा है। अब रुकना क्यों चाहिए, रुकना भी ज़रूरी होता है। जब मार्केट को बड़ा मूव लेना है तो वहाँ पे मार्केट होल्ड करती है। यहाँ देखिए जैसे होल्ड की थी, ये जो डब्बा था, ये डब्बा यहाँ बना था, यहाँ से यहाँ तक 20,122 और नीचे का लेवल था 20,875। तो ये 20,875 से 20,122 का डब्बा बना, यहाँ तक यहाँ पे मार्केट कितना दिन होल्ड किया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दिन मार्केट होल्ड किया। अगर यहाँ से भी मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर भी होल्ड करेगा मार्केट, यहाँ पे होल्ड करेगा। कितना ये डब्बा बनेगा, ये डब्बा देखिए 21,238 से ये डब्बा है 21,495 का, तो 21,500 से 21,227 से 21,500 का एक डब्बा बनेगा, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तब मार्केट में फिर और एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो डब्बा बनना है, डब्बा से ब्रेकआउट मिलना है, तभी मार्केट में तेज़ी होगी। गिरावट कहाँ पे होगी,
ये डब्बा अगर नहीं बन डब्बा बन रहा है और अगर ऊपर नहीं जा रहा है तब एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर यहाँ मार्केट रुकेगी 20,000 21,000 जो 22 का लेवल है, फिर मार्केट यहाँ से अगर टूटती भी है तो यहाँ के होल्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन मार्केट टाइम पास किया है। तो ये हुआ मार्केट का कैसे क्या रिएक्शन हो सकता है। अब करना क्या है, गैप अप ओपनिंग होनी है, तो गैप अप ओपनिंग होगी तो यानी ये डब्बा टूट जाएगा, ये डब्बा टूटेगा, ये डब्बा से सस्टेन करना चाहिए, यानी यहाँ से गैप अप ओपनिंग हम कहाँ पे होंगे, गैप अप ओपनिंग मान के चलिए 21,500 के आसपास तो है ही, 21,600 पे हम गैप अप ओपनिंग हो जाएंगे। पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, 15 मिनट कैंडल अगर हम वहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं तब एक शार्प तेज़ी देखने को मिलेगी, 21,800 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल अब 22,000 पे बन रहा है। तो अगर डब्बा टूट गया है, ब्रेकआउट हो जाएगा आज जैसा गैप अप ओपनिंग हो से सारा आ रहा है, हालांकि गिफ्ट निफ्टी से हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो एक बेवफा होती है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिखा रहा है और क्लोजिंग ओपनिंग होते समय कुछ दिखा सकता है। फिर भी अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो आपको 15 मिनट का कैंडल वॉच करना है, 15 मिनट कैंडल वॉच करने पे वहाँ अगर सस्टेन करती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल जाहिर है बनेगी गैप अप के बाद, और ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब आप 21,700 के कॉल ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं, आप 22,000 का तैयारी करने के लिए मान के चलिए रेडी हो जाएंगे। तो 21,700 पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है कॉल ऑप्शन पे। क्या होगा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो गैप डाउन कहाँ पे होगी, गैप डाउन मान के चलिए 21,400 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, हालांकि ये जो इसका जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम है, क्योंकि मार्केट 91 गैप निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम ऊपर खुलेंगे। फिर भी अगर गैप डाउन ओपन होती है 21,400 के लेवल पे, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन का कैंडल का हाई टूटता है, तब हम 21,600 के कॉल ऑप्शन 21,500 के कॉल ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नीचे की लेवल हमें रेड कैंडल मिलता है, रेड कैंडल में 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, अगर 15 मिनट कैंडल रेड बनता है, रेड बनने के बाद रेड कैंडल का लो टूटता है, तो वहाँ पे हम एक सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, 21,400 के पुट ऑप्शन पे भी काम किया जा सकता है। ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे क्या होगा और गैप डाउन ओपन होने पे क्या कर सकते हैं। अब मार्केट मान के चलिए फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट कहाँ पे होगी, 21,450 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम 21,500 के कॉल ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। अगर नीचे की ओर मार्केट आ जाती है, रेड बन जाती है, रेड का लो टूटता है, तो लो के लेवल पे हम काम कर सकते हैं, 21,400 के पुट ऑप्शन पे भी ध्यान दिया जा सकता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। तो मार्केट में अभी जो है क्लियरली है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, मार्केट में जब भी गिरावट आती है, गिरावट में कुछ समय के लिए मार्केट को खेल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं खेलना है, मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। आपको मार्केट मौका देती है तो आप बाय करेंगे हमेशा, और सेल का पोजीशन अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा पुट में काम करने से आपको नुकसान ही हो सकता है, लेकिन कभी कभी इंट्राडे में मौका मिलते रहता है। तो ये हुआ निफ्टी का ओवरऑल व्यू, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, ये हमने डिस्कशन किया। अब फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, जो हाई बीटा काउंटर है। बैंक निफ्टी में काफ़ी ताबड़तोड़ जो है मार्केट को ऊपर ले जाता है, 1,000 पॉइंट नीचे ले जाएगा, 1,000 पॉइंट ऊपर ले आएगा, ये मार्केट बैंक निफ्टी पे ताकत होती है। अब बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना है ये सब समझते ही कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी हाई वोलेटाइल काउंटर है, इसलिए इसे NSE BSE वालों ने भी इसका लॉट साइज को कम कर दिया है,
यानी पहले 25 का लॉट साइज हुआ करता था, और इसे अब 15 का लॉट साइज कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं इसमें कितनी वॉलेटिलिटी होगी, हो रही होगी, जो सरकार को भी इसमें एक्शन लेना पड़ा। तो ऐसे में क्या इसमें करना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। बैंक निफ्टी के चार्ट से आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ी सी सुस्ती थी निफ्टी के कंपेयर में। ये देखिए निफ्टी जिस तरह से रिएक्शन कर रहा था, बैंक निफ्टी उस तरह से रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है डब्बा। ये डब्बा देखिए यहाँ पे बना, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला, ये था 44,784, और इसके बाद यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लिया बैंक निफ्टी। गैप अप गैप अप गैप अप। अब कितने ग्रीन कैंडल बने आप गिन लीजिए खुद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए डब्बा बना, कुछ दिन होल्ड किया, ये था 46,715 और यहाँ पे था 47,426। तो ये दो जगह डब्बा बना, ये डब्बा बनाया 46,707 से लेके 47,415, 1,000 का डब्बा बना था। और यहाँ कितना दिन होल्ड किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन होल्ड किया था। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर डब्बा को क्रॉस, जैसे ही डब्बा को क्रॉस किया एक बड़ी रैली देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दिन से मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये लेवल है 47,560 और ऊपर का लेवल है 48,182। तो यहाँ पर भी आप मान के चलिए 1,000 पॉइंट का डब्बा बन रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये डब्बा को तोड़ना पड़ेगा, ये डब्बा को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, जिसे ब्रेकआउट बोलते हैं। तब फिर हमें 50,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग होगी। तो हो सकता है कि 48,500 या 49,000 का लेवल भी हम टच कर ले, क्योंकि मार्केट में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ये डब्बा को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ मार्केट सस्टेन करेगा, तभी हम 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं। तो ऐसे में जो 3 प्रोबेबिलिटी मार्केट पे दिखती है कि क्या गैप अप ओपनिंग होने पर क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन होने पर क्या कर सकते हैं, और फ्लैट ओपन होने पर क्या कर सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, अभी कुछ और कभी कुछ दिखाती है। फिर भी अगर गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि गैप अप ओपनिंग होंगे 90 पॉइंट का, तो हम मान के चलते हैं कि 48,500 पे हम ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी पे। अगर 48,500 पे हम ओपन हो जाते हैं, हमें पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करना है। पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल के ऊपर का हाइट उठता है, तभी हम 48,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवार्ड वहाँ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर लो बन जाती है, रेड कैंडल बनती है, तब फिर हम 48,300, 48,200 के पुट ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। ये हुआ पहला गैप अप ओपनिंग होने पर। गैप डाउन ओपन होने पे क्या कर सकते हैं, गैप डाउन कहाँ पे होगी, गैप डाउन मान के चलिए ये जो आज का जो हाई था, कल का जो हाई था 48,000 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर हाई बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब 48,400 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर पहला 15 मिनट कैंडल रेड बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तब हमें 48,000 के पुट ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं। यह प्योर इंट्राडे के लिए है, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। तो आपको हमेशा इंट्राडे के लिए आप अगर ऐसा कोई पोजिशन क्रिएट होता है तभी करना है। लॉन्ग पोजिशन के लिए हमेशा आपको लॉन्ग ही रहना है, क्योंकि इतना बुल मार्केट में आपको हमेशा कॉल साइड में ही रहना है, बाइंग साइड पे ही रहना है, सेल पोजीशन क्रिएट करने से अवॉइड करना है।
ये हुआ पहला रणनीति, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है और फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, ये हमने डिस्कस अभी करने वाले हैं कि फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है। फ्लैट कहाँ पे होगी, मान के चलिए 47,800 के आसपास फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है। अगर 47,800 के पास फ्लैट ओपन होती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम वहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, 48,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवार्ड वहाँ देखने को मिल सकता है। अगर रेड बन जाता है मार्केट में, मान के चलिए आ जाती है सेलिंग, तो पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन का क्रिएट कर सकते हैं, 47,000 के पुट ऑप्शन, 47,500 के पुट ऑप्शन पे भी काम किया जा सकता है, अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को वहाँ पर भी मिल सकता है। तो हमने सारे बिंदुओं पे डिस्कस किया, निफ्टी पे, गैप और बैंक निफ्टी पे। अब आते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा खड़ा है, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है, कौन सा सेक्टर्स है जहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, कौन सा स्टॉक्स है जहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सेटअप बैठ गया है, किस तरह का है, बता रहा है कि निफ्टी 50 जो है सरपास्ट मच अवेटेड 21,500 मार्क को पार कर लिया है December 19, बट कुड नॉट सस्टेन अबव द सेम, दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एज ए की रेसिस्टेंस एरिया हो गया है 21,500। तो गोइंग फॉरवर्ड सस्टेन अबव सेम कैन बी स्टार्ट अनदर लेग ऑफ अपवर्ड मोमेंटम कमिंग सेशंस में देखने को मिलेगा। 22,300-22,200 जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, गुड सपोर्ट है। तो December 19 रिबाउंड आफ्टर द करेक्शन मॉर्निंग सेशंस हेल्प द मार्केट क्लोज मॉडरेट हाई। BSE सेंसेक्स 122 पॉइंट बढ़ा 31,437 पे बंद हुआ, वाइल निफ्टी 50 एडवांस 34 पॉइंट बढ़ा 21,453 पे बंद हुआ। फॉर्म ए स्मॉल बियोलिश बॉडीज बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है लॉन्ग लेवर शेडो के साथ, सपोर्ट इज बीइंग हेल्ड एंड बाइंग इंटरेस्ट एट लोअर लेवल के देखने को मिल रहा है। निफ्टी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ट्रेंड्स में है, होल्डिंग लॉन्ग एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द आइडियल स्ट्रेटेजी, यानी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, ये नंदीश शाह बता रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये फील्स 5-डे EMA जो है इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21,300 का है, सेम इज द एक्सपेक्टेड टू बी सपोर्ट का काम करेगा। रेसिस्टेंस जो है 21,500-21,600 का रहेगा, क्योंकि वेयर द कॉल आर रिटेन ऑन डेरिवेटिव साइड्स 21,500-21,600 कॉल रिटेन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो रूपक दे हैं LKP सिक्योरिटीज के, ये बता रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट एज लॉन्ग एज इंडेक्स स्टेज 31,350 के ऊपर जब मार तक निपटी है तो बुलिश ट्रेंड ही रहेगा, विच इज हेल्ड इन द रिसेंट पास्ट ऑन द अपर साइड डिफेंटिव ब्रेक थ्रू अबव 21,500 जो लेवल है पोटेंशियली इन सब्सटेंशियल मार्केट रैली अंटिल देन द कॉन्स्टेलेशन अपीयर्स प्रोबेबल। तो यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन आ सकता है ये बता रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, इंडस्ट्रीज विटनेस प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिला है, 0.38% गिरा है स्मॉल कैप और 0.12% गिरा है मिड कैप। तो ये देख रहे हैं चार्ट में किस तरह से क्लियरली बुल रन का मार्केट है और 21,501 रेसिस्टेंस का काम कर रहा है इस चार्ट में दिखाया गया है। तो सपोर्ट कहाँ बन रहा है, पिवोट पॉइंट कैलकुलेटर से बता रहा है कि पहला रेसिस्टेंस जो बन रहा है 21,496 का है, जहाँ पे मार्केट बार बार टच करके नीचे आ जा रहा है। 21,535 का दूसरा रेसिस्टेंस, 21,599 का तीसरा रेसिस्टेंस रहेगा। वाइल इन द लोअर साइड निफ्टी का सपोर्ट पहला रहेगा 21,368 का, 21,329 का, 21,265 का। निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं फटाफट,
तो बैंक निफ्टी ऑल्सो शॉट ए स्मार्ट रिकवरी फ्रॉम द डेज लोज, क्लोज 3 पॉइंट हायर बंद हुआ है, 47,871 पे बंद हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बैंकिंग इंडेक्स हुआ है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वहाँ पे, लॉन्ग लोअर शेडो के साथ डेली स्केल इंडिकेटिंग बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स मेंटेन कॉन्सोलिडेशन फेस यहाँ पे है, बट नीड्स टू क्लोज अबव क्रूशियल लेवल जो है 48,000 का ऊपर। अगर मार्केट क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो फिर हम अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये कुणाल साहब बता रहे हैं LKP सिक्योरिटीज। रिफिल्स एंड सपोर्ट पोजीशन जो है 47,800 पे है। DCB ब्रेकआउट इसके ऊपर मिलेगा तो एक हमें तेजी देखने को मिलेगी। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर देखने को मिल रहा है रेसिस्टेंस की 47,896 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, 48,074 जो इसका हाई है ये चार्ट में आप देख रहे होंगे दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा, 48,216 का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट रहेगा 47,703 का, 47,615 का, 47,474 का सपोर्ट रहेगा। तो OI सबसे ज़्यादा कहाँ खड़ा है, कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 21,500 के स्ट्राइक पे, जो आज मार्केट टच करके आया इंट्राडे पे। इसका रीज़न यही था 1.13 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ खड़ा है। कॉल राइटिंग भी 21,500 पे सबसे ज़्यादा है, 21.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटिंग भी हुआ है। ये चार्ट पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 21,500 पे, जो बड़ा जो है ब्लू चार्ट आपको दिख रहा है। पुट ऑप्शन डाटा में सबसे ज़्यादा OI कहाँ खड़ा है, 21,400 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 1.06 करोड़। पुट राइटिंग भी 21,400 पे सबसे ज़्यादा है, जहाँ 50.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ये चार्ट में आप देख रहे होंगे 21,400 पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 1.6 करोड़ का। तो हैवी मात्रा में पुट राइटिंग है, इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगा 21,400 और 21,500 रेसिस्टेंस। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ हो रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है लोग बाइंग कहाँ कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो टायर, श्रीराम फाइनेंस, मारुति, पिटलाइट इंडस्ट्री, क्रॉम्पटन, चोला फाइनेंस, UBL, भारतीय टेल, कमिंस जैसे दिग्गजों पे लोग बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं डेल्टा कॉर्प पे, नेस्ले इंडिया पे, मेट्रोपोलिस, श्रीराम फाइनेंस, लाल पैथलेब, IRCTC पे लोग, कॉल इंडिया जो आज 6% बढ़ा था, क्रॉम्पटन्स, अपोलो हॉस्पिटल, डिक्सन टेक्नोलॉजी पे लोग लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं JK सीमेंट, नेशनल एल्युमिनियम, दीपक नाइट्रेट, LTTS, LTN माइंट्री, DVS मोटर, बजाज ऑटो, कॉनकोर, SRF, MPASIS जैसे दिग्गज से लोग वहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है, अपोलो टायर पे, RBL बैंक पे, इंडिया मार्ट पे, इंडिया टावर पे, एस्ट्रॉल पाइप पे, पीडीलाइट इंडस्ट्री पे, SBI, UPL, इंफोसिस, आइकॉन जैसे दिग्गज पे लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है रैमको सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट जो काफ़ी गिर गया था, 260 रुपये का कल रेट था, आज 270 रुपये दिख रहा है, RAC लिमिटेड, कैनरा बैंक फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, लुपिन, HUL, टोरन फार्मा जैसे दिग्गज पे लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। PCR देखने को मिल रहा है 1.12, अबव 1 PCR का मतलब है लोग अब थोड़ा डर रहे हैं, बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में दिख रहा है, लोगों को लग रहा है बेयरिश है। बल्ड डील कहाँ हुआ है, अजमेरा रियल्टी पे देखिए बल्ड डील हुआ है, क्विस्ट इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज़्यादा शेयर बाय किया है, करीब करीब 2 लाख शेयर, तो अजमेरा रियल्टी पे बाइंग हो रहा है, ये सारे शेयर हैं। अपोलो टायर में भी बाइंग सेलिंग हैवी मात्रा में हुआ है बल्ड डील। न्यूज़ में कौन से शेयर रहने वाले हैं, दीपक नाइट्रेट, सब्सिडरी कंपनी है इसका दीपक फेनोलिक्स, अप्रूव एग्जीक्यूशन ऑफ बाइंडिंग टर्म शीट एंड पेट्रोनेट ऑप्टेक, 250 KTPA प्रोपलीन एंड 11 KTPA हाइड्रोजन फ्रॉम पेट्रोनेट पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एट दहेज, गुजरात में है ये, 15 ईयर्स के लिए किया है टाइप, डेट ऑफ फर्स्ट सप्लाई प्रोपलीन एंड हाइड्रोजन PLL टू DPL, एडिशनली द कंपनी वाइस प्रेसिडेंट HR एडमिन सुनम जी गैटंडे, टेंडर हैज रिजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी सिटिंग पर्सनल रीजन। तो ये न्यूज में रहने वाले हैं, इसका जो एक बड़े अधिकारी हैं रिजाइन दिए हैं। आया इरडा
जो है न्यूज में रहने वाला है, द बोर्ड अप्रूव द रेज ऑफ अनसिक्योर रिडेमेबल नॉन कमेटेबल नॉन कमुलेटिव टैक्सेबल बॉन्ड्स 500 करोड़ का ये लाया है विथ ग्रीन शू ऑप्शन अप टू 1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। दिस इज पार्ट ऑफ द कंपनी 26,000 करोड़ बोरोइंग प्रोग्राम है इसका 23-24 में। तो ये न्यूज में रहने वाला है इरडा। अनुपम रसायन न्यूज में रहने वाला है, कंपनीज अप्रूव प्रीफर्ड अलॉटमेंट 19 लाख शेयर का है, 945 रुपये पर शेयर पे ये अलॉटमेंट करेंगे रियास इंडस्ट्रील को एंड रेसिन्स केमिकल्स को, प्रमोटर ऑफ द कंपनी है ये। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी रिसीव अप्रूवल फ्रॉम NSE BSE, इसको अप्रूवल मिल चुका है। कॉनकोर न्यूज में रहने वाले हैं, द कंपनी MOU साइन किया है विद DB शंकर इंडिया के साथ कोलैबोरेटर एक्जिम एंड डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ही काम करेंगे सबसे ज़्यादा। द्रो MOU के साथ काम किएंगे, प्रोवाइड सब्सटेंशियली सप्लाई चेन प्रैक्टिस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के साथ। तो कॉनकोर न्यूज में रहने वाला। रेल विकास निगम न्यूज में रहने वाला है, RBNL एंड केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जॉइंट वेंचर इमर्ज एज द लोवेस्ट बीडर टू अपग्रेड एंड रीडेवलप द बरकला शिवागिरी रेलवे स्टेशन केरला में है, इसको डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 123 करोड़ का और 30 महीने का टाइम है, इसको ख़त्म करना है। इंडिया सेल्टर्स न्यूज में रहने वाला है, द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू डेब्यूट ऑन NSE BSE। एनालिस्ट टोल्ड बता रहे हैं कि स्टॉक में लिस्ट 30% प्रीमियम के साथ 493 पे ये बंद होगा। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग दिन रहने वाला है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।